हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी उड़ीसा। आज आम वीडियो रे डिस्कशन करिबा जूनियर टीचर एग्जाम 2023 पाई किछ इंपोर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन उपरे। ये होची कंप्यूटर क्लास 3, एथरे आम डिस्कशन करिबा टोटल 45 क्वेश्चन। आप मन चाहिले आउट ऑफ 45 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करिबा प्रथम क्वेश्चन सहित। तो वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व किछ इंपोर्टेंट पॉइंट कहि रखुछि जे बहुत पिल्ला मु देखिन जे पिल्ला माने डीमोटिवेटिव होई जाउछन्ते, डी माने से माने पॉजिटिव थिंकिंग केबे भी रखु नाहाती। सबबोले आपन मु कहि रखु सबबोले पॉजिटिव थिंकिंग रखंतो, आपन निहाति भाबे जेटी सक्सेस हेइ परिबे। तो देखंतु जेटी नियुक्ति पिल्ला माने आसीबे नाही बोली मनरे ए पर्यंत रहिछि। तो आपन एते वर्ष अपेक्षा कले तो आपन खाली एई मास लास्ट पर्यंत अपेक्षा करंतु, देखंतु निहाति आपन आसीबो। तो आपन अपेक्षा करिकि एग्जाम नोटिफिकेशन आसीबो तापर प्रिपरेशन करिबो, ताहाले आपनकु भारी पडिबो। काहेकि आपनर कंपिटिशन बहुत टफ रहिबो, मने रखंतु निहाति आपन मानकु भारी पडिजिबो जदि आपन एबेठे प्रिपरेशन करिबे नाही। तो आपन पाखरे देखंतु कहि रखु जुलाई लास्ट, जुलाई एंडिंग किंबा आपनकर अगस्त फास्ट वीक सुधा निहाती भाव आपनकर जूनियर टीचर रो नोटिफिकेशन आसीबो। तो तापर आपनकु बेस समय मिलिबे नै, जदि आपनर जदि भी आपन अगस्त फास्ट वीक रे आसुची ताले आपन सेप्टेम्बर फास्ट वीक सुधा आपनकर अप्लाई कंप्लीट हेजिबा, अप्लाई कंप्लीट हेबो। तापर आपनकु 45 डेज मिनिमम दौंट अप्लाई करा पर 45 डेज आपको मिनिमम दौंत एग्जाम। तो जदि 45 डेज मिलूँ तो आपको के अढ़ाई मस समय मिलूँ, अढ़ाई मस हार्डली लेट हम तो तीन मस समय आपको तीन मस सेप्टेम्बर से मैंने अक्टोबर जो करेंगे तीन मस समय मिल। तो तीन मस आपको सफिसीएंट नुहे, कहीं आपको ये ओटीटी नुह आपर ए कमन पेपर वन अच्छी, पेपर टू अच्छी, आप पेपर वन आम जो कमन रोचे से समस्त सामान रोचे से कंप्यूटर 10 मार्क आसूँ, रिजनिंग 10 मार्क आसूँ, आपर जीके करंट अफेयर्स 10 मार्क आसूँ, तर आपर ए ओडिया 10 मार्क आसूँ, इंग्लीश 10 मार्क आसूँ, तर आप करना पेडागोजी पड़ी आप टोटल 70 मार्क आसूँ पेपर वन रहा कमन समस्त सामान। आ पेपर टू आपर जहाँकि आप पेपर टू आपर रोचे सोशल स्टडीज रोच, आउ जो माने जो माने बीएड पिला सोशल स्टडीज आउ मैथ साइंस रहिबो, आउ जो माने सिटी पिला से मानकर रहिबो ईवीएस मैथ, एटा समस्त तो रोच कमनली, तो एटा रहिबो। तो से एटा आपनर 80 मार्क फोकस करिबथिरे। तो आपनानकु आपनानकर वर्तमान चैप्टर बा टॉपिक अधिक हो जाउछि, कॉमन पेपर वन मिसुछि, सेतमे आपनानकु प्रिपरेशन पर अधिक फोकस करिवे, काहेकि आपनानकर कंपटीशन टफ रहिबो, मेरिट लिस्ट आपनानकु मेरिट लिस्ट आपन स्थान मिलबा मुश्किल हे जइबो जदि एबुटे प्रिपरेशन करिवे नाही। तो स्टार्ट करिवे प्रथम क्वेश्चन सहित आपनानकु कहि रखुछि, काहेकि आप माने समस्ते पॉजिटिव थिंकिंग रखिकि एबुटे प्रिपरेशन करंतु। आप माने जे कोनसी यूट्यूब चैनल देखंतु किबा आप माने निजे बुक्स नेकि स्टडी करंतु, किंतु स्टडी उपर आप मानकर फोकस रखंतु, काहेकि आप मानकु जेटी दीर्घ 8 वर्ष पर आसुछि, तो आप मानकु निहाते आबे या परे टिके ध्यान देबे। तो स्टार्ट करिबा प्रथम क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि द प्रोसेस ऑफ इरेजिंग ए डिस्क इज कॉल्ड। तो से कहि गोटे डिस्क को इरेजिंग करिया प्रोसेस को कोन कहा जाए, गोटे डिस्क को इरेजिंग करिबा पे जो प्रोसेस रहिछि सेटा कोन कहा जाए, से कौन कह जाए सीटा कौन मुझे डायरेक्ट आंसर कर रखुच्छे। चार ऑप्शन रही वाइपिंग, फॉर्मेटिंग, क्लीनिंग ना डिफ्रेमेंटिंग। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिंग कह जाए। द प्रोसेस ऑफ इरेजिंग ए डिस्क इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। गोटे डिस्क को इरेज कर प्रोसेस को फॉर्मेटिंग बोली कह जाए, ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट डज एसईओ स्टैंड्स फॉर। एसईओ रो फुल फॉर्म से पचारि छि, एसईओ रो फुल फॉर्म कौन हम, चार ऑप्शन रही सर्च इंजिन ऑप्टिमल, सोशल इंजिन ऑप्टिमल, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। तो एसईओ रो फुल फॉर्म होउछि सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए डाटा इन ए कंप्यूटर। से कह कंप्यूटर रे जो डाटा रही डाटार सब छोट यूनिट कौटा, स्मॉलेस्ट यूनिट हो सब कौटा ना बिट, बिट
ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर बीट एग्जाम पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फास्ट कंप्यूटर वायरस इज तो आमर जो कंप्यूटर वायरस रही प्रथम जो कंप्यूटर वायरस आसीला से कौन से पचार फास्ट कंप्यूटर वायरस ना कौन फास्ट कंप्यूटर वायरस ना हूँ क्रिपर ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर क्रिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू इनवेंटेड माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर को किए इनवेंट करते किए उद्भावन करते माइक्रो प्रोसेसर इनवेंटर होती किए ना मार्शियल ई होप ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फिफ्थ जेनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आमर जो पंचम जेनरेशन कंप्यूटर गुड़ाक बेस करकी बना जाए तो फिफ्थ जेनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा एआई जहाँकि रिसेंटली वर्तमान जो चलते यहाँ हूँ फिफ्थ जेनरेशन कंप्यूटर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रॉपर्ली अरेंज्ड डाटा इज नोन एज तो डाटा गुड़ाक जब प्रॉपर्ली गोटे ठीक सठिक सठिक भाव में डाटा को अरेंज करे कौन कहुए सीटा कौन कहुए ना इनफर्मेसन बोली कहुए सीटा कौन कहुए इनफर्मेसन बोली कहुए ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर इनफर्मेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच आर द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज्ड इन हॉस्पिटल लाइक ईसीजी एंड डायलिसिस से कहे आमर जो हॉस्पिटल गुड़ाक आमर ईसीजी करने एंड डायलिसिस करने कंप्यूटर यूज करा से कंप्यूटर गुड़ाक कौ टाइप रो कंप्यूटर हॉस्पिटल रे ईसीजी एंड डायलिसिस करने जो कंप्यूटर यूज होगा हूँ हाइब्रिड कंप्यूटर ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस तो कंप्यूटर साइंस रो जनक किए बोली से पचार कंप्यूटर साइंस रो जनक होचंती किए से होचंती आलान ट्यूरिंग आलान ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया से कहे इंडिया द्वारा निर्माण करा जायथिया प्रथम कंप्यूटर रो ना कौन इंडिया द्वारा बा भारत द्वारा निर्माण करा जायथिबा प्रथम कंप्यूटर रो ना से पचार तो भारत निर्मित प्रथम कंप्यूटर होची सिद्धार्थ सिद्धार्थ यदि सुपर कंप्यूटर पचार परम तो कन्फ्यूज हेबे एटा हूँ सुपर कंप्यूटर परम आईटा हूँ फास्ट ओनली कंप्यूटर से पचार सिद्धार्थ हम ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड एन इंटेग्रेटेड सर्किट और आईसी चिप से कहे आईसी चिप बा इंटेग्रेटेड सर्किट चिप को किए निर्माण करते तो ये करेक्ट आंसर कौन हम देखो ये करेक्ट आंसर आपर ऑप्शन नंबर सी जेएस किल्बी जेएस किल्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय द सेकेंड जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर से कहे आमर जो सेकेंड जेनरेशन कंप्यूटर समय रे कौ लैंग्वेज को यूज करा जाउथला सेकेंड जेनरेशन कंप्यूटर रे आमर यूज होतला कौ लैंग्वेज ना असेंबली लैंग्वेज यूज होतला कौ लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज यूज होता मन रखु। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय कंप्यूटर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट जेनरेशन तो फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर रे आमर कौ लैंग्वेज यूज हो पचार फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर आमर होता लैंग्वेज हूँ मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज आ सेकेंड जेनरेशन आमर जो सेकेंड जेनरेशन कंप्यूटर समय आमर कौन होता असेंबली लैंग्वेज दुटा मन रखु फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर समय कौ लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज सेकेंड जेनरेशन कंप्यूटर कौ लैंग्वेज ना असेंबली लैंग्वेज ए दुटा मन रखे एग्जाम इंपोर्टेंट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द वर्ड कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर तो आप अब्रिविएशन बा फुल फॉर्म ऊपर पचारूँ तो एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो तो से पचार कंप्यूटर फुल फॉर्म कौन कंप्यूटर फुल फॉर्म कौन कंप्यूटर फुल फॉर्म से पचार तो कंप्यूटर फुल फॉर्म होउछि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च कंप्यूटर फुल फॉर्म होउछि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च ऑप्शन नंबर बी होउछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज तो सिस्टम यूटिलिटीज आप मेन फंक्शन कौन से पचार मुख्य काम कौन सिस्टम यूटिलिटी मुख्य काम होची डाटा रिकवर करिबा बैकअप करिबा वायरस प्रोटेक्शन करिबा तो सब गुड़ाक ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स से कौची कौ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आम यूज करी आम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर पारिबा ताको एडिट कर पारिबा एवं क्रिएट मध्यो नुआ डॉक्यूमेंट क्रिएट मध्यो कर पारिबा कौ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माध्यम रे त करेक्ट आंसर होची वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करी आम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर पारिबा एडिट कर पारिबा एंड प्रिंट मध्यो कर पारिबा ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर वर्ड प्रोसेसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही बग मीन्स बग माने कौन से पचार बग माने कौन से पचार बग माने कौन हम ना ए लॉजिकल एरर्स इन द प्रोग्राम जेकोसी प्रोग्राम रे आमर किसी लॉजिकल एरर आसा कह जाए बग नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय से कौन प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को किए निर्माण करते प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को निर्माण करते किए जेवी आटनसॉफ जेवी आटनसॉफ निर्माण करते ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड से कौन कंप्यूटर जो प्रिंटेड आउटपुट आसुच्छा कौन कह जाए कंप्यूटर आम जो प्रिंटेड आउटपुट आसू कौन कह जाए कॉपी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी ना पेपर तो आप जानते समस्ते बर्तमान आमर जो एग्जाम हो जेटी हो टीटी हो जेकोसी हूँ आम एडमिट कार्ड आसू पूर्व कौन आसाला आम पूर्व आप घर को पोस्टाल हार्ड कॉपी आसूला माने कंप्यूटर रे प्रिंट जो प्रिंट आउट आसूला आप आसूला एडमिट कार्ड आसूला किंतु वर्तमान तो सेमती नुहे वर्तमान हार्ड कॉपी क्या पठा देना निजे निजे डाउनलोड करके आप जाऊँगी जो आम जो प्रिंट बाहर कर प्रिंटा कौन कहुए ना हार्ड कॉपी कहुए आम कंप्यूटर रु जेकोसी डाटा को आम आउटपुट को आम प्रिंट बाहर करेंगे हार्ड कॉपी ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर हार्ड कॉपी नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इन्वेंटेड इंटेग्रेटेड सर्किट्स ए क्वेश्चन आम द्वितीय थर रिपीट करुँच तो से जनकर ना था दुईज रही तो आमर इंटेग्रेटेड सर्किट्स आईसी चिप को किए उद्भावन करा उद्भावन करे जेक किल्बी एंड रॉबर्ट नोएस ए दुईज जाक तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल तो से कौची कौ मेमोरीटा आमर बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल से पचार तो स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल बोथ कौ मेमोरीटा से रोम रोम फुल फॉर्म हो रीड ओनली मेमोरी नेक्स्ट क्वेश्चन रही HTML इज यूज टू क्रिएट तो HTML यूज करा जाउची कौन क्रिएट करने ना आपण मान वेब पेज को क्रिएट करने HTML यूज करा जाउची नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ए वर्कशीट इन MS Excel व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड एंटायर रो से कौन तुम्हें MS Excel रे गोटे वर्क गोटे वर्कशीट उपरे काम करुछ गोटे वर्कशीट रे MS Excel रे तुम्हें काम करुछ तुम्हें कौ शॉर्टकट की यूज कले एंटायर हाई एंटायर रो माने सब गुड़ाक धाड़ी को आम हाइड कर पारिबा कौ शॉर्टकट की मारले सब गुड़ाक धाड़ी आमर हाइड हो जिवो MS Excel रे तो करेक्ट आंसर होची कंट्रोल प्लस नाइन जदि आम शॉर्टकट की एंटर करिबा ताहले आमे समस्त रो शॉर्टकट समस्त रो को आमे हाइड कर पारिबा ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस कोटा गोटे स्टोरेज डिवाइस नुहे बोली से पचार तो स्टोरेज डिवाइस कोटा नुहे चार ऑप्शन रही DVD हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क माउस तो स्टोरेज डिवाइस आमर DVD होगा हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क किंतु माउस स्टोरेज डिवाइस नुहे तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए सेव्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज तो से कौन गोटे डॉक्यूमेंट सेव होगी रही है कौन कह जाए सेव्ड डॉक्यूमेंट को कौन कह जाए फाइल बोली कह जाए फाइल ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर फाइल नेक्स्ट क्वेश्चन रही सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट आउटलाइन एमबॉस एनग्राफ आर नोन एज तो सुपर स्क्रिप्ट करुँच सबस्क्रिप्ट करुँचे आउटलाइन एमबॉस एनग्राफ एगुड़ाक कौन से पचार एगुड़ाक हूँ गोटे गोटे फॉन्ट इफेक्टर एग्जांपल फॉन्ट इफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए रिजल्ट ऑफ ए कंप्यूटर वायरस कैन नॉट लीड टू से कौन कंप्यूटर वायरस कौटा को माने टाली पार ना कौटा को सी लीड कर पार ना त
तो कंप्यूटर वायरस चाहिले आमर डिस्क को क्राश करि परिबो, आमर प्रोग्राम को करप्शन करि परिबो, आ आमर फाइल गुडा को चाहिले कंप्यूटर वायरस डिलीट करि परिबो, किंतु से मदरबोर्ड को केबे भी क्राश करि परिबो नाही। तो ऑप्शन नंबर बी होउछि आमर सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि, व्हिच इनपुट डिवाइस कैनॉट बी यूज्ड टू वर्क इन एमएस ऑफिस। से कहुछि तमे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करुछ, तुम से कौटा गोटे इनपुट रूप आम यूज करें, कौटा गोटे इनपुट डिवाइस को आम यूज करवा ना। तो एम एस ऑफिस कौटा आम इनपुट डिवाइस यूज करा जाए ना, एम एस ऑफिस आम स्कैनर यूज कर इनपुट डिवाइस, माउस भी यूज कर, आउ कीबोर्ड यूज कर, तीन टा तो इंपोर्टेंट जिनस, माउस कीबोर्ड तो मोस्ट इंपोर्टेंट, स्कैनर भी इंपोर्टेंट, ये तीन टा जाक आम एम एस ऑफिस आम यूज कर इनपुट डिवाइस रूप आम यूज कर, किंतु जॉयस्टिक आम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के यूज कराए ना, जॉयस्टिक को केवे भी यूज कराए ना। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हम आम सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपाई, वी एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब यूजिंग। से कहे जे आम कौन यूज करके वर्ल्ड वाइड वेब को आम एक्सेस करि परबा, तो आम ब्राउजर को यूज करके, ब्राउजर को यूज करके आम वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करि परबा। ऑप्शन नंबर ए होउछ करेक्ट आंसर, ब्राउजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हाट इज व्हाट्स कंसीडर द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। तो से कहे वर्ल्ड वाइड वेब WWW बैकबोन रूपे क्या कंसीडर कर, तो वर्ल्ड वाइड वेब रो बैकबोन बा मेरुदंड होची HTTP, HTTP यार फुल फॉर्म मते मन रखंतु, एग्जाम पे बहुत थर एग्जाम रे पचारुची, तो सबुडा फुल फॉर्म इंपोर्टेंट रहबो, चारिटा ऑप्शन रहिची, तो प्रत्येक ऑप्शन रो फुल फॉर्म इंपोर्टेंट रहउची। तो HTTP रो फुल फॉर्म होची हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ए क्वेश्चन बहुत थर पचारिची, आउ हमरो FTP रो फुल फॉर्म होची फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आउ HTML रो फुल फॉर्म होची हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आउ URL फुल फॉर्म होची यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ए फुल फॉर्म गुडाको मन रखंतु, एग्जाम पई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। तो ये हमरो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी, HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिची, डेस अलोज यू टू क्रिएट स्टैंडर्ड कैलकुलेशन फॉर्मेटिंग एंड चार्ट्स वेरी क्विकली। से कहे कि आम आलाउ कर अति शीघ्र, वेरी क्विकली, अति शीघ्र आम चार्ट्स बनई पार, फॉर्मेटिंग एंड स्टैंडर्ड कैलकुलेशन को क्रिएट करने किए आलाउ कर। तो करेक्ट आंसर हो क्विक एनालिसिस टूल, क्विक एनालिसिस टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, इन MS Word द जूम इज प्लेस्ड ऑन। तो से कहे MS Word रे जूमटा कौटी पाइबा, आम जूम को आम कौ जगार पाइबा, तो जूम ऑप्शन हम पाइबा हम कोथरे ना व्यू टैब रे हमें पाई परबा जूम को। तो ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर, व्यू टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, DHCP स्टैंड्स फॉर, DHCP रो फुल फॉर्म से पचारि छी, DHCP रो फुल फॉर्म कोन हबो, तो एडी मु डायरेक्ट आंसर कहि रखु छी, DHCP रो फुल फॉर्म होउछि डायनामिक होस्ट कॉन्फिगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फिगरेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी होउछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, शॉर्टकट की कमांड फॉर प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट व्हाइल वर्किंग इन MS Word इज। से कहे MS Word रे आम गोटे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने कौन शॉर्टकट की यूज करवा, एटा इजी क्वेश्चन, आम जब प्रिंट करने चाहूँ तार आम Ctrl+P मारे आम प्रिंट कर पारिबा। नेक्स्ट रही, डेस इज द डिफल्ट ब्राउजर अवेलेबल ऑन एप्पल लैपटॉप्स। से कहे एप्पल लैपटॉप रे आम डिफॉल्ट ब्राउजर रूपे कोटा यूज करि परबा, माने एप्पल लैपटॉप रे डिफॉल्ट ब्राउजर रूपे कोटा हमको अवेलेबल थाए, कोटा रहउछि ना सफारी डा गोटे आम डिफॉल्ट ब्राउजर रूपे अवेलेबल रह थाए, कोटी ना एप्पल लैपटॉप रे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, आप हाउ मेनी कलर डॉट्स मेक अफ वन कलर पिक्सेल ऑन ए स्क्रीन। से कहे गोटे स्क्रीन रे आमर गोटे कलर पिक्सेल बनवाई केतटा कलर डॉट यूज हो, तो करेक्ट आंसर होनो कलर डॉट मिसिकी आमर वन कलर पिक्सेल बनुच्छे, वन पिक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ डेस बेस्ड ऑन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। से कहे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर गुड़ाक कहार उदाहरण अटे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होची कहार उदाहरण ना इंपैक्ट प्रिंटर रो उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी होच करेक्ट आंसर, इंपैक्ट प्रिंटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही है, यूनिक नंबर दैट इज असाइंड टू एनी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज, से कहे आम इंटरनेट रे जे कौन सी डिवाइस को कनेक्ट करिया पई आमे गोटे यूनिक नंबर को आम असाइन करिया पड़ुछि, सेतरे लॉगिन करिया पड़ुछि, तो सेटा को कौन कहा जाए, सेटा कौन कहा जाए ना आईपी एड्रेस कहा जाए, आईपी एड्रेस कहा जाए, आईपी माने इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा और रेकॉर्ड इन ए सिक्वेन्स इज नोन एज, से कौन गोटे सिक्वेन्स गोटे क्रम आम डाटा गुड़ाक एरेंज करवा कि रेकर्ड करवा प्रोसेस को कौन कहा जाए, गोटे सिक्वेन्स डाटा गुड़ रेकर्ड करवा एरेंज करवा प्रोसेस को कौन कह जाए ना सर्टिंग कह जाए सर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टाइप ऑफ रैम कैन बी यूज एज ए कैच मेमोरी, से कहे कैच मेमोरी आम सॉरी व्हाट टाइप रैम कैन बी यूज इन कैच मेमोरी, तो कैच मेमोरी कौ टाइप रैम यूज कर कैच मेमोरी कौ टाइप रैम यूज कर पचार कैच मेमोरी आम कौन यूज कर ना एस रैम यूज कर एस रैम स्टैटिक रैम को यूज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूज फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट, तो फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट रे कौ मेमोरी यूज कर, तो ये आम करेक्ट आंसर जो कौन ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी सॉरी बी एस रैम SRAM बा स्टेटिक रैम को हम यूज कर फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज कॉल्ड, से कहे जे आम गोटे डिस्क को ट्रैक्स एंड सेक्टर रे डिवाइड कर तो से डिवाइडिंग प्रोसेस को कौन कहा जाए, से डिवाइडिंग करिया प्रोसेस को कौन कहा जाए ना फॉर्मेटिंग बोली कहा जाए फॉर्मेटिंग बोली कहा जाए ऑप्शन नंबर डी होउछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट डज डबल एल ए एन स्टैंड्स फॉर, तो डबल एल ए एन फुल फॉर्म से पचार तो डबल एल ए एन फुल फॉर्म हो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन रही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल गूगल डॉक्स आर एग्जांपल ऑफ, तो युवक कहार उदाहरण से पचार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल गूगल डॉक्स ये सब हूँ गोटे गोटे आप्लिकेसन सॉफ्टवेयर आप्लिकेसन सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर डी हे आमर सठिक आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्राइमरी स्टोरेज इज डेस एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज, से कहे प्राइमरी स्टोरेजा सेकेंडरी स्टोरेज तुलन कौन, तो प्राइमरी स्टोरेज आमर सेकेंडरी स्टोरेज तुलना रे फास्ट एंड एक्सपेंसिव फास्ट एंड एक्सपेंसिव ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तो टोटल आम डिस्कशन कले 45 क्वेश्चन, तो आपने आउट ऑफ 45 केते स्कोर रखिछंती कमेंट बॉक्स रे निहात भाबे जणाई पारिबे, जदि वीडियो भल लागुची ताहाले निहात भाबे गोटे गोटे लाइक करिबे, ता सहित अधिकारु अधिक मात्रा रे कृपया सांगे साथ मानको निहात भाबे शेयर करिबे, जो माने हम चैनल नुवा छन चैनल को निहात सब्सक्राइब करंतु एवं ता पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन को क्लिक करंतु जहा द्वारा आप माने समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई पारिबे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।